नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइव। तो अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म चेहरे की सबसे बड़ी खासियत इससे जुड़े चेहरे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर और रघुवीर यादव जैसे स्टार्स इसमें काम कर रहे हैं। जब ये नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ते हैं तो उम्मीद ऐसे ही बढ़ जाती है, लेकिन कमज़ोर कहानी, उससे जुड़ा और भी ज़्यादा थ्रिलर और भारी भरकम संवाद इन उम्मीदों पर पानी फेर देता है, क्योंकि इस फिल्म को लोगों से जुड़ने में सहायता नहीं मिली। तो फिल्म की कहानी दिल्ली के रहने वाले समीर मेहरा की है, जिसे दिल्ली जाने को है लेकिन शिमला के बर्फीले तूफान में वो फंस जाता है, या कहें कि फंसा दिया जाता है। समीर बर्फीले तूफान में बचने के लिए एक हवेली नुमा घर में आश्रय ले लेता है। उस घर में चार रिटायर्ड कोर्ट के अधिकारी होते हैं और वे आपस में दोस्त होते हैं। तो इस तरह की ये कहानी चलती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब एक और जो इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म को लेकर है वो ये कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी नज़र आई है। रिया चक्रवर्ती का खैर बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिया इस फिल्म से जुड़ी हैं और रिया का नाम भी इस फिल्म की प्रमोशन के लिए खूब किया गया था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक जो रिएक्शन इस फिल्म को लेकर आ रही है वो कुछ खास नहीं है। इस फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रही है। कईयों का कहना है कि फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है। कुछ लोगों ने इस फिल्म को खैर पसंद भी किया, लेकिन फिर भी इस फिल्म को कमज़ोर फिल्म बताया गया है। हालांकि इस फिल्म में बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। अमिताभ बच्चन काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर दिखे हैं। इसके बावजूद ये फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई जो उससे उम्मीद की जा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। कमेंट सेक्शन पर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।